फाइनली ह्युंडई ने अल्काज़ार को इंडिया में लॉन्च कर दिया है 16.30 लाख रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस में 19.99 लाख रुपीज़ तक। और इस वीडियो में हम इस गाड़ी के बेस वेरिएंट के बारे में बात करेंगे जो कि आपको 16,30,000 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस में मिलता है। और इस तरीके का बेस वेरिएंट आपने आज तक कोई भी दूसरी गाड़ी में नहीं देखा होगा। और इस तरीके के जो फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं बेस वेरिएंट में, ऐसे फीचर्स भी आपने आज तक कोई भी गाड़ी के बेस वेरिएंट में नहीं देखे होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले एक्सटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले इस गाड़ी का जो बेस वेरिएंट है प्रेस्टीज मैनुअल ट्रांसमिशन वाला, उसमें आपको 6 सीटर और 7 सीटर दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में भी आपको फ्रंट में डार्क क्रोम वाली सिग्नेचर कैस्केडिंग ग्रिल मिल जाती है ह्युंडई की। और इसमें आपको ट्राई बीम एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, एलईडी पोजिशनिंग लैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, हनी कोम्ब एलईडी टेल लैम्प, एलईडी फॉग लैम्प्स। और इस गाड़ी के आपको फॉग लैम्प्स में आउटसाइड डोर हैंडल्स पे और टेल गेट पे डार्क क्रोम की फिनिश मिलती है। इसके अलावा बॉडी कलर डुअल टोन बम्पर फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स ORVM बॉडी कलर मिलते हैं। इसमें आपको ए बी और सी पिलर आपको ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स मिलती हैं, इसमें आपको शार्क फिन एंटीना रियर स्पॉइल ट्विन टिप एग्जॉस्ट और R17 डायमंड कट एलॉय व्हील जैसे फीचर इसमें आपको एक्सटीरियर में मिल जाते हैं इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में। और इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं अब, तो इस गाड़ी में आपको डुअल टोन ब्राउन इंटीरियर मिलता है बेस वेरिएंट में भी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सेम क्रेटा वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। 7 इंच की स्क्रीन मिलती है जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको वो इसके बेस मॉडल में आपको मिलता है। और इस गाड़ी का जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 10.25 इंच टच स्क्रीन मिल जाती है बेस वेरिएंट से ही। और इसमें आपको लेदर रैप, डी कट स्टेयरिंग व्हील, गियर नॉब, मेटल इनसाइड डोर हैंडल्स, फिनिश 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग वाला फीचर इसके बेस वेरिएंट से ही आपको मिल जाता है। मेटल डोर स्कफ प्लेट्स मिलती हैं इसके इंटीरियर में आपको। और अब कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो इसमें आपको वॉइस इनेबल्ड पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। इसके बेस वेरिएंट में आपको पैनोरामिक सनरूफ जैसा प्रीमियम फीचर मिल रहा है। स्मार्ट की विथ पुश बटन स्टार्ट रिमोट, इंजन स्टार्ट विथ स्मार्ट की, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग, फ्रंट रो स्लाइडिंग सन वाइजर, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आउटसाइड मिरर विद ऑटो फोल्डिंग वाला फीचर इसके बेस वेरिएंट में आपको मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको फ्रंट वायरलेस चार्जर, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, फ्रंट रो सीट बैक टेबल, मतलब कि सीट के पीछे आपको ऐसी टेबल मिलती है जिसमें आप अपना कुछ भी IT डिवाइसेस, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कुछ भी चीज़ ऐसा रख सकते हैं वहाँ पर। इसके साथ आपको रिट्रैक्टेबल कप होल्डर्स भी वहाँ पर मिल जाते हैं। और इस गाड़ी का अगर आप 7 सीटर वाला वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको रियर में आर्मरेस्ट मिल जाता है, और 6 सीटर वाला देते हैं तो इसमें आपको रियर में कॉन्सोल जो मिलता है बीच में उसमें आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, स्टोरेज एंड कप होल्डर्स भी वहां पर आपको मिल जाते हैं। इसे रियर में आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है इसके बेस वेरिएंट से ही। सेकेंड रो AC वेंट, थर्ड रो AC वेंट विद स्पीड कंट्रोल, USB चार्जर आपको तीनों ही रो में मिल जाता है। और तीसरी जो रो है थर्ड रो उसमें आपको एक यूनिट मिलती है USB चार्जर की, और ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको 2 यूनिट मिलेगी। और फ्रंट पावर आउटलेट, रियर वाइपर एंड वॉशर, LED रीडिंग लैंप्स, लगेज लैंप्स, पावर विंडो ड्राइवर साइड, ऑटो अप डाउन पावर विंडो मिलती है आपको ड्राइवर साइड, सनग्लास होल्डर, पैसेंजर वैनिटी मिरर, ऑटोमेटिक हेड लैंप्स, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, टिंटेड ग्लास, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज और फॉलो मी हेडलैम्प जैसे फीचर इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं बेस वेरिएंट में ही। और अब इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EVD, रियर डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, ड्राइवर साइड रियर व्यू मॉनिटर, मतलब कि आपको जो 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिलता है उसमें आपको जो कैमरे में आपको पीछे की गाड़ी जो आ रही है वो आपको स्क्रीन पर उसका व्यू मिलता है, रियर पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा और आइसोफिक चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर इसमें आपको बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में आपको 6 सीटर और 7 सीटर दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप इसका 7 सीटर वाला वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलती हैं सेकंड रो में, और 6 सीटर वाले लेते हैं तो उसमें आपको स्लाइडिंग एंड रिक्लाइनिंग सीट्स मिलती हैं। और अगर आप इस थर्ड रो में जाना है तो इसकी 6 सीटर वाले वेरिएंट में या फिर 7 सीटर वाले वेरिएंट में आपको इसको वन टच टिप एंड टंबल सीट्स मिलती हैं सेकंड रो में।
मतलब कि एक टच में आप पूरी सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट तीनों ही रो में मिल जाते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो तीनों में आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। ये था Hyundai Alcazar का बेस वेरियंट। आपने देख लिया कि इसके बेस वेरियंट में आपको कैसे फीचर्स मिलते हैं। लगभग टॉप मॉडल के 95% फीचर इसके बेस मॉडल में ही आपको मिल जाते हैं। और इस गाड़ी के वेरियंट्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि ये बेस वेरियंट के ऊपर वीडियो था, इसमें मैंने आपको बेस वेरियंट के फीचर्स बताया हूँ, उसकी प्राइस, उसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिया हूँ। अगले वीडियो आपको देखना है अगले वेरियंट के ऊपर कि उसमें आपको बेस वेरियंट से क्या ज़्यादा मिल जाता है, उसकी प्राइसिंग कितनी है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको जानना है कि इस गाड़ी में जो फर्स्ट इन सेगमेंट जितने भी फीचर्स मिलते हैं वो सिर्फ इसी गाड़ी में मिलते हैं कि इसके सेगमेंट की दूसरी गाड़ी में भी मिलते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगी। और प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस तो मैंने आपको बता दी है, इसके बेस वेरियंट की इसकी जो प्राइस है वो है 16.30 लाख रुपीज़। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस है और न्यू दिल्ली की।